जय माँ काली, जय माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस की अजीब महिमा है, उस दिन आप मार्केट में भीड़ देखेंगे, सोने चांदी की दुकानों में भीड़ देखेंगे और आप भी खरीदेंगे। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है, लेकिन खरीदारी कब करें और क्या खरीदें, यह बहुत महत्व का चीज है, इसे जानना जरूरी होता है। तो आज हम बताएंगे कि धनतेरस में वह एक चीज, 2 पैसे का, 1 रुपये का, वह क्या चीज खरीदे जो आपके घर में दरिद्रता को दूर भगा दे और लक्ष्मी को आपके घर में स्थायी रूप से निवास करवा दे। तो वीडियो के अंत में हम बताएंगे, जरूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, तत्काल कर ले, क्योंकि आज हम वह 1 रुपये का चीज आपको बताएंगे जो आपके जीवन की सारी दरिद्रता को दूर कर देगी। तो सबसे पहले हम धनतेरस का के मुहूर्त के विषय में बता रहे हैं। तो 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर दोनों ही दिन धनतेरस की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, लेकिन 29 अक्टूबर को धनतेरस की खरीदारी की जाएगी, 30 अक्टूबर को भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 29 अक्टूबर को 10:30 बजे से लेकर आप खरीदारी आरंभ कर सकते हैं, जो दूसरे दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दिन के 1 बजे तक आप खरीद सकते हैं। लेकिन इस दिन बर्तन लोग खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं या जरूरत की वस्तुएं खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं, फ्रिज, एसी, जो भी जरूरत की होती है लोग रखते हैं कि हम धनतेरस में खरीदेंगे और धनतेरस में कुछ छूट भी मिल जाता है, तो आप जरूर खरीदारी करें। लेकिन वीडियो के अंत में वह एक चीज जरूर खरीदेंगे जो आज हम आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल खरीद कर अपनी दरिद्रता को आप दूर भगाएंगे। तो अभी हम बता रहे हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त। धनतेरस का मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 को 10:34 से आरंभ हो जाएगा, जो 30 अक्टूबर को 1 बजे अपराह्न तक रहेगा। इसे आप अगर लोकल टाइम बना लेंगे तो और भी बेहतर और सटीक होगा। तो धनतेरस यानी कि त्रयोदशी तिथि को ही धनतेरस, तेरस यानी 13, त्रयोदशी यानी कि त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली से 1 दिन या 2 दिन पहले पड़ता है। तो इस दिन पूजा का जो मुहूर्त है, वह पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर को है, 6:31 संध्या से 8:15 रात्रि तक रहेगा। प्रदोष काल है, प्रदोष काल की आपको पता है, प्रदोष काल की पूजा खास फलदायी होता है। अगर आप पूजा प्रदोष काल में करते हैं, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, यह तो पता ही, आज भी जान लीजिए। कोई भी पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप जिस जो भी महत्वाकांक्षा रखकर पूजा को करते हैं, वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। तो प्रदोष काल का समय रहेगा 5:38 संध्या से लेकर 8:13 रात्रि तक रहेगा, और वृषभ काल रहेगा 6:31 संध्या से लेकर 8:27 तक। तो यह शुभ समय है, इसी शुभ समय में जो भी आपको सुटेबल लगता है, इन घंटों में आप पूजन कीजिए और अपनी दरिद्रता को दूर भगाइए, लक्ष्मी जी को आकर्षित कीजिए। जो सामान्य पूजन है वह अनेकों वीडियो में मैंने डाला है, तो पीछे जाकर देख लेंगे या फिर तमाम आपको विधियां मिल जाएंगी, विधियां तो एक ही है। विधियों के विषय में चूंकि मैं वेदांती भी हूँ, तो मैं एक बात ही कहना चाहती हूँ कि तुम जितना भी शॉर्टकट पूजन करो, तुम जितनी भी आराधना करो, मंत्र करो, बस मन से कर लेना। मन से अगर सिर्फ एक शब्द बोल लोगे, वह माँ लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी, चाहे जिस भी भगवान का, जिस भी परमात्मा का, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से, शरीर के एक एक कण से नाम ले लोगे, वह वहां तक पहुंच जाएगा। तो अभी हम आपको जैसा कि बतला रहे थे कि अंत में हम बतलाएंगे कि 1 रुपये का वह क्या चीज खरीदे जिससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी
वास करे और आपके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाए। आज एक आम समस्या है, अभी जो लोग परामर्श लेने आते हैं उसमें कम से कम 25% लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम कर्ज में डूबे हुए हैं, कैसे मेरा कर्ज सधेगा। पूछती हूँ, कर्ज क्यों ले लिया? जब सधा नहीं सकते थे तो कर्ज लिया ही क्यों? तो कोई जवाब नहीं होता, यानी कि उनके भाग्य में था कर्ज लेना। तो अगर भाग्य में था कर्ज लेना तो उसका उपाय भी कुछ भाग्य में होगा। तो जो उपाय बतलाती हूँ उसे कर लो। देखो, वह अब मैं भ्रम में नहीं रखूंगी, रहस्य नहीं रखूंगी, सीधे बतलाती हूँ कि वह 1-2 रुपये का कौन सी वस्तु धनतेरस में खरीदोगे जो तुम्हें अपार धन संपत्ति प्रदान कर सकता है। तो देखिए भाइयों बहनों, धनतेरस में आप जो कुछ भी खरीदे तो उस रहस्य को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है और देती हूँ, हमेशा से देती हूँ, ताकि जो भी कहूँ आपके पास पहुंच जाए। और जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी। तो चलिए रहस्यों का हम उद्घाटन करते हैं कि वह 2 रुपये का की कौन सी वस्तु है जो चमत्कारी फल दे सकता है। तो देखिए भाइयों बहनों, वह 2 रुपये की वस्तु है यह कौड़ी। 1 रुपये 2 रुपये मिल जाएगा, हो सकता है दीपावली के दिन आपको यह 5 रुपये में भी मिले। तो आप इसे दीपावली के दिन नहीं खरीदेंगे, इसे आप धनतेरस के दिन खरीदेंगे, जब आप मार्केटिंग करके लौट रहे होते हैं या मार्केटिंग करने जा रहे होते हैं। दो समय चुन ले, या तो सबसे पहली खरीदारी इसका करें या सबसे अंतिम खरीदारी धनतेरस का यह करें। आप इस तरह की 5 कौड़ियां खरीद लें, 5। अगर 1 रुपये मिलता है तो 5 कौड़ियों का वो आप 5 रुपये में खरीद सकते हैं। 2 रुपये की मिलेगी तो 10 रुपये में खरीद सकते हैं। 5 रुपये की मिलेगी तो 25 रुपये की, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इन कौड़ियों को 5 की संख्या में आप खरीद लें। अगर कोई उपहार में दे देता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं देते लोग इस समय कोई भी उपहार में, ऐसी अनमोल वस्तु कोई उपहार में नहीं देता। तो इसे 5 की मात्रा में खरीद लें, घर ले आए, और मैंने जो पूजा का मुहूर्त बतलाया है, प्रदोष काल का जो मुहूर्त बतलाया है, उस काल में आप इसे हल्दी, जो घर में ही आप हल्दी का चूर्ण बनाएंगे, उस हल्दी में इसे रख दें और इसका पूजन करें। इसके पश्चात उस दिन छोड़ दें आप, और जब दीपावली के दिन आप लक्ष्मी पूजन करेंगे उस समय भी खास रूप से इस हल्दी में डुबाए हुए इस कौड़ी का पूजन करेंगे और मंत्र कर लेंगे, ओम श्री रिंग क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। 108 बार इस मंत्र को कर लें। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर लें, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कर लें, और फिर इसे वही लक्ष्मी जी के पास छोड़ दें। और दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, स्नान वगैरह करने के पश्चात फिर से आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करें, अगरबत्ती धूप बत्ती सब दिखाएं, और उसके बाद हल्दी समेत इस कौड़ी को उठाकर एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में रखकर आप अपने धन को, पैसे को जहां रखते हैं वहां पर रख दें। आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा, कर्ज चुकने लगेंगे आपके, और अगर किसी व्यवसाय के संबंध में आप कहीं बात करने जा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के विषय में आप कुछ करने जा रहे हो, कहने जा रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग करने जा रहे हो, तो उस डब्बे को उठाकर अपने जेब में रख ले, अपने पर्स में रख ले, और उसे साथ लेकर जाए और आप सफल होकर आएंगे। तो इस धनतेरस में इसकी खरीदारी जरूर से जरूर करें। और पहले भी बतलाया था कि नमक भी एक पैकेट जरूर खरीद ले। और ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें, ताकि सारे लोग धनवान हो जाएं। लक्ष्मी जी सबके यहाँ बटकर स्थायी रूप से निवास करें, हमारे देश से दरिद्रता समाप्त हो जाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली।